Number 5. This is again November 11, 8 marks. Mr. Black accepted the following bills drawn by Mr. White. Date of bill 9 March, 16 March, 7 April, 18 May. Period is 4 month, 3 month, 5 month, 3 month. And the amount is 4,000, 5,000, 6,000, 5,000. He wants to pay all the bills on single date. Interest chargeable is at 18% per annum. And Mr. Black wants to save rupees 150 on account of interest amount. Kya diya hai? Mr. Black wants to save rupees 150 on account of interest payment. Find out the date on which he has to effect the payment to earn interest of rupees 150. Best date to be taken shall be the earliest due date. Best date to be taken shall be the earliest due date. Woh toh otherwise hum wahi lene wale hain. Theek hai? But thank you very much. Institute ne aapki thodi help kar di. Now here, अब रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आपको ड्यू डेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ऊपर से मिस्टर ब्लैक वांट्स टू सेव रुपीज 150 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट. उसको इंटरेस्ट में सेविंग करना है 150 का, मतलब ही विल मेक द पेमेंट इन सच ए वे सो दैट ही विल गेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 150. मतलब वो बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट करेगा. आर रीडिंग हियर? तो आपको क्या क्या करना होगा बोला यहां पर बताएगा कोई? सबसे पहली स्टेप क्या होगी? ड्यू डेट फाइंड आउट करनी होगी. देन यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट. ठीक है, देन एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करके फिर आपको क्या करना होगा कि जो कुछ भी अमाउंट है, जो कुछ भी अमाउंट है उसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा 18% से, एक दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा, फाइंड आउट दैट इंटरेस्ट. और फिर देखिए 150 के लिए कितना कितने दिन लगेंगे फिर, एंड उतना दिन आपको ड्यू डेट के पहले पेमेंट मिलेगा या फिर करना पड़ेगा. आर रीडिंग हियर? सो जरा देखिए बोला एक मिनट, टोटल अमाउंट कितनी हमारी 4000 प्लस 5000 प्लस 6000 प्लस 5000, इट इज 20,000. सो 20,000 का 18% डिवाइड बाय 365, एक दिन का इंटरेस्ट एट 18%, एक दिन का इंटरेस्ट देखिए कितना आता है, 20,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365. सो एक दिन का इंटरेस्ट कितना 9.86. इसका मतलब है अगर आपको रुपीज 150 इंटरेस्ट में बचाने हैं और एक दिन का इंटरेस्ट अगर 9.86 है, सो बताइए हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे? 15.21. सो वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 15 डेज. मतलब जो ड्यू डेट आएगी उसके 15 दिन पहले अगर वो पेमेंट करेगा, 15 दिन पहले अगर पेमेंट करेगा तो उसे 150 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. सो इस बार आपकी डेट ऑफ पेमेंट कैसे आएगी? एवरेज ड्यू डेट माइनस 15 डेज. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब डिटेल में सॉल्व करेंगे. वेरी फास्ट ड्यू डेट. अब एक काम कीजिए, प्रॉब्लम ये कॉलम कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि डेट ऑफ बिल ही है सिर्फ, बिल एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है आपको, सभी पीरियड आपको ड्यू डेट से ही लेने हैं, सॉरी डेट ऑफ बिल से ही लेने हैं. सो व्हाट आर योर ड्यू डेट्स? पहले ड्यू डेट क्या आएगी आपकी 9 मार्च प्लस 4 मंथ, सो इट इज 9 जुलाई प्लस 3 दिन, इट्स 12 जुलाई. Then 16 March, 3 months. March, April, May, June. 16 June plus 3. 19 June. 7th April plus 5 months. So it is 7-9. 7-9 plus 3. 10-9. And 18 May plus 3 months. Matlab 18-8 plus 3. 21 August. 21st August. Kahin koi public holiday wagera nahi hai. Kahin koi सडन हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे ऐसा कुछ दिया नहीं है. अगर पब्लिक हॉलीडे होता तो वन डे बिफोर, सडन हॉलीडे इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे. एनीवे दिस आर योर ड्यू डेट्स. नाउ फर्स्ट फाइंड आउट योर एवरेज ड्यू डेट.
today's date earliest will be 19 June. मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आप बोर्ड पे ना देखें, आप अपनी ओर से कर लें फटाफट. नाउ इंप्रूव योर स्पीड. Is it correct? Product बराबर है सर मेरे, total correct है. Then is it approximate 90 days? 49, 45. Therefore, your average due date comes to base date plus additional days. Your base date is 19 June. Plus 45 days. So this is 19 June plus 11. June khatam ho gaya. Aage aur 34 baki hai. Matlab July bhi pura jayega. Aur aage 3 din. So this is 3rd August. 3rd August. Is it? Then आगे लिखिए इंटरेस्ट फॉर वन डे. इंटरेस्ट फॉर वन डे क्योंकि पेमेंट हमें इस तरह से करना है ताकि आपको रुपीज 150 का इंटरेस्ट मिले. तो उसके लिए कितने दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, इसके पहले फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द इंटरेस्ट पर डे. सो दैट इज 20,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365, so that is 9.86. Therefore, number of days for interest rupees 150. So 150 के लिए हमें कितने दिन लगेंगे? So rupees 150 divided by 9.86. So answer हमारा था approximate 15 days. Approximate 15 days.
Therefore, actual payment, actual date of payment. Zoom करके इसको. Is equal to हमारी due date है 3rd August minus 15 days. So August के 3 निकाल दीजिए और 12 दिन आपको जुलाई से लेस करने पड़ेंगे. So 31 days के ना जुलाई. So 31 minus 12 it is 19 July. Your answer will be 19 July. Got it?